इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर के बगदून में मंगलवार को एक बुजुर्ग की सरेआम गला रेत कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम रवि सोलंकी है और यह पास ही के गांव खेड़ा सागर का रहने वाला बताया जा रहा है। मंगलवार को युवक ने बगदून तालाब किनारे एक बुजुर्ग 50 वर्षीय संतोष खटीक की गला रेत कर सरेआम हत्या कर दी थी और आरोपी वहां से फरार हो गया था। फुटेज में आरोपी का वीडियो दिखने के बावजूद पुलिस आरोपी को पहचान नहीं पा रही थी, जो कि उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए कठिन चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने खोजबीन करते हुए तमाम मोबाइल की कॉल डिटेल्स और उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद आरोपी तक पहुंची और रवि सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या चरित्र शंका को लेकर करना बताया जा रहा है। आरोपी रवि सोलंकी को शंका थी कि मृतक संतोष और उसकी मां के बीच अवैध संबंध है, क्योंकि मृतक संतोष का आरोपी रवि के घर लगातार आना जाना बना रहता था। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से खेड़ा निवासी रवि सोलंकी, जिसने हत्या कारित की थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसे जुडिशियल रिमांड में भेज जिसे पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है और उसका पुलिस रिमांड और विवेचना के लिए लिया जा रहा है। हत्या का कारण मृतक का आना जाना, घर में आना जाना, उसको रास नहीं आ रहा था, इस कारण से हुई।